नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे डिस्कवरी चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं क्रैब। क्रैब जिन्हें केकड़े के नाम से भी जाना जाता है, लगभग समूचे विश्व में पाए जाने वाले जीव क्रैब जल व भूमि दोनों ही स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन अधिकांश केकड़ों की प्रजाति जलीय जीवन के लिए जानी जाती है। ज़्यादातर केकड़े की प्रजाति उत्तरी महासागर के पानी में पाई जाती है। विश्व में केकड़ों की 4500 से ज़्यादा अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां नमकीन ताजा खारे में पानी में पाई जाती हैं। केकड़ों को जुरासिक काल की प्रजाति माना जाता है। जीव विज्ञानों के अनुसार लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले से केकड़े की प्रजाति अस्तित्व में रही है। पी क्रैब विश्व में पाए जाने वाले केकड़े इसकी सबसे छोटी प्रजाति है, जिनकी लंबाई 0.27 और 0.47 इंच तक लगभग होती है। जापानीज स्पाइडर क्रैब। जापानी केकड़े की प्रजाति केकड़े के अन्य सभी प्रजातियों से केकड़ों के सबसे बड़े होते हैं, जिसके पंजों के बीच दूरी लगभग 12 फीट होती है। मादा केकड़ों में गर्भावस्था केवल 1 या 2 सप्ताह तक होती है और ये एक समय में 2000 से 4000 अंडे दे सकती हैं। केकड़ों की लगभग सभी प्रजातियाँ झुंड में रहना पसंद करती हैं। इनके समूह में कुछ हजारों और लाखों करोड़ हो सकते हैं। एक स्वाद कि केकड़े का औसत जीवन काल 3 से 4 वर्ष का होता है, लेकिन यह प्रजातियों के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भोजन प्राप्त करने के और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए केकड़े अक्सर एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद।